हेलो गाइस, ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी बता देती हूँ। टैप इनटू यूनियन टाइमलाइन, टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है, फॉरवर्ड फीलिंग आई है, फील बिग पिक्चर, वी कॉन्शियसनेस, गॉड इज एवरीवेयर कॉन्शियसनेस है यहाँ पे। तो आपका सेल्फ टॉक, सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्शंस आ रहे हैं, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस आ रही है, फेस द करेज। रियलिटी शिफ्ट हुआ है, लोटस हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, ब्लूम हुआ है, कीप हिम इन सेम टीम आफ्टर इनकार्नेशन, आपके साथ सेम पेज पे, सेम टीम पे आ जाते हैं, उनको हमेशा सेम टीम पे ही देखें, महसूस करें। यूनियन टाइमलाइन जो है वो सेपरेट हो रहा है फ्रॉम अदर टाइमलाइन, तो इनलाइटनमेंट आई है। फील पावरफुल, आप क्रिएटर हो, फील सोल्यूशन, हमेशा सोल्यूशन या फोकस आगे का, फॉरवर्ड फीलिंग्स पे रखें। लव विंस, तो हमेशा ही सोल इज ऑलवेज लिबरेटेड, आपका सोल लिबरेटेड है, बट आपका और आपके ट्विन का सोल जो है वो यूनाइटेड है। फील नेक्स्ट, प्रेज द लॉर्ड। मैस्कुलिन्स जो है वो उनको प्रेज करें क्योंकि वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। फील लव, फील एक्शन, फील पैशन, गॉड इज योर मास्टर। यहाँ पे आप लोग कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके बहुत ब्यूटीफुली आपने हर चीज को लॉजिकली अनलॉक भी किया है, स्पिरिचुअली अनलॉक भी किया है। स्पाइनल कॉलम आपकी एक्टिवेट है, कॉस्मिक प्रेगनेंसी ग्राउंडिंग हो रही है, गॉड कंज्यूमिंग फायर इन द सेंटर ऑफ योर बीइंग, डिवाइन कॉन्शियसनेस आई है, रेनबो बॉडी एक्टिवेट हुआ है, कुंडलिनी अराउज हुआ है, जिसकी वजह से पैशन इंक्रीज हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हुई है, लिली की तरह ब्लूम हुए हो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपका फ्लो हो रहा है। फील हिज फीलिंग्स, क्योंकि आप दोनों का फीलिंग्स म्यूचुअल है, लव फीलिंग्स हो चाहे पैशन हो, कंप्लीट म्यूचुअल में आती है ये एनर्जी। एवरी वर्ड इज मैनिफेस्टेशन, तो हमेशा ही सेल्फ टॉक में हाइएस्ट पॉसिबिलिटीज देखें, हाईएस्ट डायमेंशन से देखें, हमेशा ही पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। लविंग थॉट्स आ रही है, होलोग्राफिक यूनिवर्स को आप महसूस कर पा रहे हो, नोड्स ऑफ डेस्टिनी, फेट जो है वो ओपन हुआ है, पेयर सेलेस्टियल पॉइंट जो सन और मून है वहां से आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है, स्पीडिंग अप हुआ है आपका फेट डेस्टिनी जो आपके लिए इट मेंट टू बी। क्लियरिंग अप, आपकी टाइमलाइन क्लियर हो चुकी है, साफ है, बिल्कुल क्लियर पाथ है यहाँ पे। आप लोग एक एक मोमेंट को बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास है पावर्स, आपके साउंड फील्ड, आपका आपके अंदर वो पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स हैं। फील इज लव, जो कि म्यूचुअल है बिल्कुल, ब्रॉट आपका जो ट्यूनल का जो उस तरफ है वो आप देख पा रहे हो, ब्यूटीफुल टाइमलाइन, कुकुन से एक बटरफ्लाई बन चुके हो, आप लोग एक कॉस्मिक प्रेगनेंसी से गुजर रहे हो जहां पे आप लोगों की इनकार्नेशन बहुत ब्यूटीफुल वे में हो रही है, डीपर कनेक्शन हुआ है विद योर हायर सेल्फ, आप न्यू गया में एक मर्ज होकर आप दोनों ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इनकार्नेट हुए हो विद कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और डिविनिटी के साथ। तो यहाँ पे आप कंप्लीट न्यू बिगनिंग है, तो यहाँ पे प्रेजेंट और हाईएस्ट टाइमलाइन ही रह गया, बाकी सब आपके लाइफ से डिलीट हो रहा है, पास्ट फ्यूचर सिर्फ फॉरवर्ड मोमेंट है यहाँ पे। फील इज पैशन, जो कि म्यूचुअल है, सिंक विद सिंक्रोनिसिटी, बहुत सारी सोल सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, सोल वॉइस को लिसन कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, टेलीपैथी, सेक्रेट टेलीपैथी एंड द सोल ब्लिस एक्सटेसी अलाइनमेंट में आई है प्रेजेंट के साथ। लव पैशन एक्शन जो है वो मर्ज हुआ है, करेज एंड पावर आई है आपके अंदर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई है, कम्युनिकेशन सेक्रेड हुई है, प्रेजेंट बेस्ड लव बेस्ड हुई है, जिसके वजह से आप लोग बहुत ब्यूटीफुली एनर्जी फ्लो हो रही है आप लोगों की, इनवर्ड टू आउटवर्ड आपकी फीलिंग, आपका सोल कनेक्शन जो है वो स्पेशल कनेक्शन है, वो यूनिक है, वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी भी है। बिलीव इन एक्शन, कम्युनिकेशन, आपका जो वर्क करियर और यूनियन टाइमलाइन दोनों साथ साथ चलेंगे आपके इस न्यू टाइमलाइन में। फेथ एंड बिलीव जो है वो इटर्नल है, परमानेंट है, तो हमेशा स्टेबल प्रोजेक्शन करें, स्टेबल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, लव इज इटर्नल, बी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर द क्रिएटर,
कमिट टू यूर सेल्फ, अपने आप से कमिटेड रहे, मल्टी डायमेंशनल बींग बन चुके हो, सोल हैप्पीनेस जो है वो रियल है आपकी। तो यहाँ पे कॉस्मिक लव मैरिज ग्राउंडिंग हो रही है, आप दोनों सेम टीम पे हो, याद रखें इस चीज को, आप दोनों सेम एनर्जी हो, सेम टीम पे हो। वननेस इक्वालिटी यूनिटी कॉन्शियसनेस आई है, फीलिंग जो है वो प्रेजेंट है आपकी, लव पैशन इज रियल, करियर और प्रोफेशन ग्राउंडिंग हो रहा है यहाँ पे, एक्सपैंड भी हो रहा है, हैप्पीनेस इज इनसाइड जॉब, स्पिरिचुअल विजडम ग्राउंडिंग हुई है, एवरी डे इज ए न्यू डे, गोल्डन गया जो है वो हाईएस्ट टाइमलाइन में गया है, म्यूचुअल कॉन्शियसनेस आई है, ट्विन फ्लेम जो है वो सिर्फ एक लव फ्रीक्वेंसी को महसूस करते हैं, लव पैशन को म्यूचुअल वे, इन यूनाइटेड वे। यू आर द सेम एनर्जी, आप लोग बिल्कुल सेम एनर्जी हो, वी आर फ्रीक्वेंसी एनर्जी एंड वाइब्स इन बॉडी, आपका जो कनेक्शन है वो सेक्रेट कनेक्शन है, इटर्नल इमॉर्टल है, यूनिवर्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है आपके डिवाइन कनेक्शन को। तो यहाँ पे लव जो है वो पावरफुल है, सेल्फ आइडेंटिटी आई है, सोल प्रियोरिटी आई है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, रीड हार्ट, बिल्कुल सिर्फ हार्ट को ही रीड करें, फिजिकल अवेलेबिलिटी हो रही है आपके ट्विन के लिए, आप बिल्कुल अवेलेबल हो, फिजिकली रेडी हो चुके हो, वो भी रेडी हो चुके हैं, डू एवरीथिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, फिजिकल प्रेजेंस आई है, वी आर प्रेजेंट इन एवरी वन, फील ही इज टेकिंग एक्शन, वो एक्शन ले रहे हैं मैस्कुलिन एक्शन जो है वो एक लव और नेचुरल और म्यूचुअल होता है। तो आप लोग सब कुछ ही करिए अपने ट्विन के लिए और वो भी आपके लिए सब कुछ ही फिजिकली अवेलेबल हैं। तो ये करेंट एनर्जी है मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन की ट्विन फ्लेम अपडेट है। आज मैं गाइडेंस आपको हाईएस्ट टाइमलाइन पे किस तरह से टैप करते हैं ये बता देती हूँ। जब आपका आपके सारे टाइमलाइंस जो हैं हाईएस्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर तो नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट में जो आप हाईएस्ट टाइमलाइन फ्यूचर का टाइमलाइन आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, टैप कर पाते हो माइंड के थ्रू, क्योंकि ये सारा ही पैरेलल में ट्रैवल कर रहा होता है, ये सारे ही टाइमलाइंस आप किसी भी वक्त अपने हाईएस्ट, आपके सारे टाइमलाइन प्रेजेंट में, आपका एक वर्जन प्रेजेंट में अवेलेबल है जो जी रहा है हाईएस्ट टाइमलाइन में, सिर्फ आपको माइंड पावर के थ्रू वहां पे टैप करना होता है और आपको जीना होता है अपना हाईएस्ट टाइमलाइन। तो हमेशा अपने यूनियन टाइमलाइन, करियर हाईएस्ट करियर टाइमलाइन में आप टैप कर सकते हो किसी भी वक्त, क्योंकि वो प्रेजेंट में अवेलेबल है, आपका एक सोल वर्जन वहाँ पे जी रहा है इस वक्त, और सारे ही पैरेलल में होते हैं हाईएस्ट टाइमलाइन से लेकर सारे इन्फिनिट टाइमलाइन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे पैरेलल में चल रहे होते हैं, आप किसी भी वक्त टैप ले सकते हो और जी सकते हो उस एक्सपीरियंस को। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी शिफ्ट है, ये टाइमलाइन शिफ्ट होता है जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप जब हाईएस्ट फॉरवर्ड फीलिंग में आते हो, फॉरवर्ड थिंकिंग में आते हो, तो आप टैप कर सकते हो उस माइंड पावर से, अपने स्पिरिचुअल पावर से। तो आप एक मल्टी डायमेंशनल हो, तो आपका आप दो डायमेंशन पे एक ही टाइम पे रह सकते हो। तो ये क्योंकि टाइम एंड स्पेस इज नॉट रियल, ये बहुत बड़ा एक्सपैंड हो जाता है जब आप ओपन कॉन्शियसनेस में आते हो, आप लोग ब्रॉड कॉन्शियसनेस में आते हो, तो आपको पता चलता है हाईएस्ट डायमेंशन से कि टाइम एंड स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे इन्फिनिट अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आपकी खुल जाती है। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।